हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है बैंक कैसे सी यू पी एस सी क्लैट कैट सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एक्साइटेड एवरीवन तो वो कैबनरी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहला वर्ड है हमारा अनएडिफाइन अनएडिफाइंग का मतलब होता है वो चीज़ जो आपको अच्छी ना लगे वो चीज़ जो आपको खराब लगे अनप्लेजेंट लगे आप उसका रिस्पेक्ट ही ना कर पाओ उसको आप क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अनएडिंग किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया एडजेक्टिव मीन्स अनअपीलिंग है डिसअग्रीएबल है आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है एक वर्ड और होता है इसके जैसा जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आता है दैट इज इंसिपिड insipid का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको टेस्ट में अच्छी नहीं लग रही कोई चीज़ जो फीकी है कोई चीज़ जो टेस्टलेस है वो क्या वर्ड होता है आपका दैट वर्ड इज़ insipid. एंटनिम्स की बात करें अच्छी लग रही है प्लीजिंग है रिलैक्सिंग है अच्छी है तो हमारे पास हमने क्या देखा हमने अनएडिफाइंड मतलब बहुत ही ख़राब दृश्य देखा किस चीज का ऑफ पाइल अपॉन पाइल पाइल मीनस ढेर पे ढेर ढेर पे ढेर जो कूड़ा है वो शहर में बना हुआ था टावरिंग मीन ऊंचाइयों पे था ऊंचाइयों की तरफ जा रहा था मतलब ऐसे ढेर पे ढेर बहुत ऊंचा कूड़े का ढेर था कहाँ पे सेंटर स्ट्रीट पे तो ये हमने देखा अनअपीलिंग साइट थी ये बहुत ही गंदा था देखने में अगले वर्ड पे आते हैं डिस्क्रिशन लास्ट में एन लग रहा है इसका मतलब क्या है ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउन डिस्क्रिशन का मतलब होता है आपकी खुद की मर्जी से दिस इज एट योर डिस्क्रीशन इसका मतलब क्या है आपकी मर्जी है आपको जो करना है वो करो तो डिस्क्रिशन मीन्स द फ्रीडम और पावर टू डिसाइड वॉट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन आपके पास पावर है आप डिसाइड करो कि आप कैसे करोगे आपके पास लिबर्टी है आप वोल्यूशन वोल्यूशन का मीनिंग भी क्या होता है आपके पास अपना खुद का हक है डिसाइड करने का एंटेम्स हो गए कोअर्शन कोअर्शन मीन्स आपके साथ जबरदस्ती की जा रही है आपको जबरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है ऑब्लिगेशन आपकी कोई जिम्मेदारी डाल दी आपके लिए कंपल्सरी बना दिया कि आप ही को वो काम करना है तो ये वर्ड्स क्या हो गए एंटेम्स हाउ मच टू टेल टर्मिनली इल पेशेंट्स कितना बताया जाए टर्मिनली मीन्स टू बहुत ज्यादा बीमार पेशेंट्स हैं इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर वो डॉक्टर की मर्जी है कि डॉक्टर उन पेशेंट्स को कितना उनकी बीमारी के बारे में बताए क्लियर कोई दिक्कत किसी को चल अगले शब्द पे आते हैं रिक्वेजेशन लास्ट में एन लग रहा है फिर से इसका मतलब क्या है पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउ रिक्वेजेशन का मतलब भी क्या होता है आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई ऐसे कर लो ना आप किसी से कोई डिमांड रख रहे हो कोई मांग रख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं रिक्वेजेशन ये वर्ड बना किससे है ये वर्ड रिक्वेस्ट से बना है तो आप क्या कर रहे हो डिमांड कर रहे हो सॉलिसिट कर रहे हो कि कर दो ना ये काम एंटेनिम्स क्या हो गए एंटेनिम्स हो गए आपने सीधा सीधा बोल दिया कि यही होगा या आपने कुछ प्रोवाइड किया एंटीनिम्स द आर्मी रेक्विजिशन आर्मी ने क्या डिमांड की आर्मी ने डिमांड करी कि सारी की सारी गाड़ियाँ और जो ट्रक्स हैं वो क्या कर दें उन्होंने वो सबकी डिमांड कर ली कि जितनी भी कार्स और ट्रक्स हैं जो जो मिले हैं वो हमें दे दो अच्छा अब यहाँ पे समझ में आया जब हमने रिक्विजिशन को पहली बार देखा तो हमें लगा कि वो नाउन है लास्ट में आई ओ एन लग रहा था तो हमें क्या लगा नाउन है लेकिन जब हमने सेंटेंस को देखा जब हमने मीनिंग को देखा तब हमें समझ में आया कि ये शब्द बेटा नाउन नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे एक्शन की बात कर हो रही है देखो नाउन की कभी सेकेंड फॉर्म नहीं होती वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो ये वर्ड क्या हो गया राइट right. ये शब्द नाउन नहीं ये शब्द क्या है आपका ये शब्द आपका वर्ब चलो अगले शब्द पे आते हैं नेक्स्ट इज मिस मिसगिविंग्स का मीनिंग क्या होता है आप बहुत कन्फर्म नहीं हो आप डाउट कर रहे हो सामने वाले इंसान पे आपको डर है किसी चीज का कि कहीं वो चीज गलत ना हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं मिसगिविंग्स फीलिंग्स ऑफ डाउट और वरी अबाउट वॉट माइट हैपन कि क्या हो सकता है आपके मन में क्या है आपके मन में डर है आपके मन में आशंका है डाउट है सस्पेशन है किसी चीज को लेके सिनोनिम्स सीहेंशन एप्रीहेंशन मीन्स फियर है कुआम आप कंफ्यूज हो कि आगे क्या होने वाला है एंटोनिम्स आप assured हो कोई टेंशन नहीं सब कुछ होगा भला होगा कॉन्फिडेंस है आपको ये एंटोनिम्स हो गए तो बहुत सारे लोगों ने सीरियस मिस मतलब डाउट जाहिर किया है किस टॉपिक के ऊपर कि क्या वो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड है तो बहुत सारे लोगों को इस चीज के ऊपर डाउट है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये शब्द आपका नाउन है चल अगले शब्द पर आते लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड अगला वर्ड है पीक इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पीक वर्ड का मीनिंग होता है कि आपको अंदर से किसी के मन किसी को लेके क्या हुआ आपको ना अंदर से अचानक से क्या हुआ एक गुस्से वाली फीलिंग आई एक तरीके से आप ना एकदम अपना आपा खो बैठे और आप बहुत अनॉयड हो गए उस इंसान से परेशान हो गए उस फीलिंग को क्या बोलते हैं उस फीलिंग को बोलते हैं पीक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये शब्द भी आपका नाउन है अचानक से अनॉयड हो गए एंगर गुस्से वाली फीलिंग आ गई इन पे डबल स्टार मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि क्या हुआ आपके अंदर गुस्सा आ गया एग्जास्परेशन आप इरिटेटेड हो गए परेशान हो गए एंटेनिम्स क्या हो गए कंटेंटमेंट आप सैटिस्फाइड हो ग्रेटिफिकेशन आप अच्छा फील कर रहे हो आप एकदम सेटिसफाइड हो ये सारे एंटेनिम्स हो गए तो आफ्टर अ मोमेंट ऑफ पीक एक मोमेंट तो मेरे अंदर गुस्से वाली फीलिंग आई फिर उसके बाद

आपके अंदर गुस्सा है आप अनहैप्पी हो किसी चीज को लेके तो मन में क्या है मन में रिसेंटमेंट है कभी भी रिश्ते में मन में रिसेंटमेंट मत रहने देना जब भी ऐसा लगे कि मन में रिसेंटमेंट आ रहा है जाके उसको तुरंत ही तुरंत सुलझा लेना तो ब्रेकअप से बच जाओगे अ फीलिंग ऑफ एंगर और अनहैप्पीनेस अबाउट समथिंग दैट यू थिंक इज अनफेयर आपके अंदर क्या है फीलिंग है गुस्से वाली डजियन अफेंस मतलब आपको लग रहा है कि सामने वाले ने कुछ गलत किया आप उस चीज़ को मन में लगा के बैठ चुके हो Antonyms आप खुश हो delighted हो हैप्पी हो तो शी कुड not कंसील वो छुपा नहीं पाई कंसील का मीनिंग होता है छुपाना वो छुपा नहीं पाई अपनी नाराज़गी को जब उसको वो नाराज़गी कब फील हुई जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया था तो उसको ख़राब तरीके से ट्रीट किया गया वो नाराज़ हुई और वो उस नाराज़गी को छुपा नहीं पाई अगले शब्द पे आते हैं कॉम्प्लायंस इस वर्ड के ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो कॉम्प्लायंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो इसकी वर्ब होती है कॉम्प्लाई कॉम्प्लाई मीन्स फॉलो करना दिस इज द वर्ब फॉर्म और लास्ट में ए एन सी ई लग रहा है तो ये क्या हो गया आपका नाउन हो गया सिनोनिम्स हो गए एडियरेंस एडियर मीन्स आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो कन्फॉर्मिटी मीन्स आप पालन कर रहे हो रूल्स एंड रेगुलेशन का एंटेनिम्स क्या हुआ कॉन्ट्रवेंशन मीन्स आपने रूल्स रेगुलेशन तोड़ दिए इन्फ्रेंचमेंट रूल्स रेगुलेशंस तोड़ दिए वायोलेशन भी कह सकते हैं वायलेशन का मतलब भी होता है रूल्स रेगुलेशन तो, तोड़ देना आप ट्रांसग्रेशन भी कह सकते हो इसका मतलब भी होता है रूल्स और रेगुलेशन्स को तोड़ देना तो कंपनी ने बोला कि उसने हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है लॉस को उसने हमेशा फॉलो किया है हाँ ब्रीच भी कह है सकते हैं राइट right? अगला वर्ड है एंडेमिक अब पहले समझ लेते हैं तीन तरह के वर्ड्स होते हैं एक होता है एंडेमिक एक होता है एपीडेमिक और एक होता है पैंडेमिक इन तीनों में एक वर्ड होता है वो होता है डेमो डेमो रूटवर्ड का मीनिंग होता है पीपल लोग एंडेमिक तो का मीनिंग होता है जो चीज़ एक छोटे से एरिया में थी फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था तो चाइना के वुहान में एक छोटे से एरिया में आया था तो उस समय कोविड क्या था उस समय कोविड था एंडेमिक फिर वो क्या हुआ वो बहुत बड़े एरिया में फैल गया पूरे चाइना में फैल गया तो जब वो बड़े एरिया में फैल गया तो वो क्या बन गया एपीडेमिक फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो पूरी दुनिया में फैल गया पैन का मीनिंग क्या होता है ऑल फिर वो पूरी दुनिया में फैल गया तो वो क्या बन गया Pandemic. क्या तीनों में डिफरेंस क्लियर है सभी को एवरी वन चलो है जो एक छोटे प्लेस में हो या फिर कुछ ही लोगों के बीच में हो जिस उसे मुक्ति पाना मुश्किल हो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम एंडेमिक बोलते हैं सिनोनिम्स क्या इंडिजेनस एबोरिजिनल मतलब जो उस एक पर्टिकुलर एरिया का हो एंटेनिम्स फॉरन एक्जॉटिक एक्जॉटिक से आप एक प्रियंका चोपड़ा का गाना याद आएगा इट्स बेटर ट्रॉपिकॉटर दैन द ट्रॉपिक ऐसी कोई सॉन्ग था तो एक्जॉटिक का मीनिंग क्या होता है खुद का नहीं बाहर का उसको आप बोलते हो एक्जॉटिक फॉरन कंट्री का तो मलेरिया जो है बहुत सारे गर्म रीजन्स में क्या है एंडेमिक है उन एरियाज में फैला हुआ है क्लियर एक वर्ड आया है यहाँ पे इंडिजनस ये मेरे लिए आपको समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में वर्ड्स आते हैं पांच वर्ड्स होते हैं मैंने आपको इसका शॉर्ट्स भी बना के दिया था अगर आप लोगों ने देखा हो तो एक वर्ड होता है इनडीजे आप लोगों को मुझे इन पांचों वर्ड्स की मीनिंग बताने है। एक वर्ड होता है इनजेनुअस एक वर्ड होता है इनजीनियस एक वर्ड होता है डिस और एक वर्ड होता है इन जेन्युन क्या आप मुझे इन पांचों वर्ड्स का मीनिंग बता सकते हो चल देखते हैं कोशिश करते हैं कितने वर्ड्स का मीनिंग हम बता पा रहे हैं पहला वर्ड है इंडिजेनस इंडिजेनस मीन जो उस कंट्री का हो जो क्या हो उस कंट्री का हो लोकल हो नेटिव हो इंडिजेनस इन जेनुअस ऐसा इंसान जो क्या हो ऑनेस्ट ना हो ऐसा इंसान जो क्या हो जो बहुत शायद बोल रहे हाँ नहीं ऐसा इंसान जो ऑनेस्ट हो वो इंजेन्युअस और ऐसा इंसान जो ऑनेस्ट ना हो वो डिस इनजीनियस ऐसा इंसान जो बहुत क्लेवर हो या फिर बहुत स्किल्ड हो इनजेनुन जो फेक हो तो ये पांच वर्ड्स है देखने में एकदम एक जैसे लग रहे हैं बट पांचों का मीनिंग एकदम अलग अलग है इसको अपनी कॉपीज में नोट डाउन जरूर कर लेना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे आते हैं मशरूम होना मशरूम का मीनिंग क्या होता है फैल जाना कोई चीज बहुत ज्यादा फैल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं मशरूम होना एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब इन दोनों शब्द पर डबल स्टार मार्क करना और बर्जियन ये वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आए हैं इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है तेजी से कोई चीज फैल जाना एंटेनिम्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट हो जाना डिमिनिश हो जाना कम हो जाना तो जो कंप्यूटर्स हैं स्कूल्स में बहुत ज्यादा फैल गए हैं मतलब बहुत ज्यादा नंबर उनका इंक्रीज हो गया है वेन इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन वेन का मीनिंग होता है धीरे 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 करके कम करना तो कोई चीज कम होती जा रही है इसका मतलब क्या है वो वेन होती जा रही है वीक होती जा रही है सिनोनिम्स विदर एब कम होती जा रही है Antonyms क्या एंटेन बढ़ती जा रही है तो लेट सेवेंटीज तक जो बैंड की पॉपुलैरिटी थी वो कम होना शुरू हो गई एक्शन की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया राइट right. ये शब्द आपका वर्ब है आगे बढ़ते हैं impunity लास्ट में आई टी वाई लग रहा है मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया नाउट इम्प्यूनिटी का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट नहीं मिलेगा फॉर एग्जाम्पल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको इम्प्यूनिटी मिली मिलती है तो इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट कि कोई भी गुना करो कुछ भी करो लेकिन आपको पनिशमेंट नहीं मिल सकता एग्जैम्पन मिलता है इम्यूनिटी मिलती है मीन्स फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट एंटीनिम्स हो गए लाइबिलिटी जिम्मेदारी बन जाती है ससेप्टिबिलिटी कमजोरी बन जाती है तो उसको लगा कि उसके पास जो पैसा है और जो पावर उसे मिली है उससे उसको लॉ को इग्नोर करने का हक मिल गया है इम्प्यूनिटी के साथ कि उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा समझ आई सभी को कैबलरी आज की दो फ्रेजल वर्ब है एक ईडियम है पहला है सेट ऑफ सेट ऑफ का मीनिंग क्या होता है कोई चीज शुरू हो जाना कोई चीज स्टार्ट हो जाना दैट इज सेट ऑफ कैरिंग आउट किसी चीज को पूरा करना ही कैरी आउट द वर्क वेरी नाइसली उसने काम को पूरा किया बहुत अच्छे से और रेसिपी फॉर डिज़ास्टर मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा होगा कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा उसको हम बोलते हैं और रेसिपी फॉर डिज़ास्टर क्लियर वोकेबलरी आगे बढ़े एक रिक्वेस्ट करूँगी तेरह सौ बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल तीन सौ ही हैं, ऐसा क्यों So I will request everyone like if 1,300 students are